नज़दीक होने की वजह से आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बैच तो भी बिल्कुल न्यू है, लेकिन मैं इस बैच में चाह रही हूँ कि जो चैप्टर्स जिस ऑर्डर में इम्पॉर्टेंट है ना, मैं उस ऑर्डर में पकड़ लूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है, एक तो वर्ब है जो आप कर रहे हो, है ना, और वर्ब का तो मैंने कहा आप करते रहो, आपको शीट मिलता रहेगा। आज मैं आपको नेक्स्ट शीट प्रोवाइड कर दूंगी, उसको भी होमवर्क के रूप में देख लेना। लेकिन वर्ब याद कर रहे हो, मैं उसका प्रैक्टिस करा रही हूँ, दैट्स इट। जो सेकेंड सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर वो टेंस है, और आपको मैं बहुत बढ़िया मटेरियल प्रोवाइड करूँगी, अभी मैं उसका प्रूफ रीडिंग कर रही हूँ। 1999 से 2015 तक का सारा क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने निकाला है, सारा क्वेश्चन, क्योंकि 2016 का तो आपको 42 और 72 सेट्स तो पता है आपको, 42 सेट्स एसएससी सीजीएल का आ चुका है हमारा, और 72 सेट्स सीएचएसएल का आ गया है। लेकिन जो चैप्टर वाइज मैं निकाल रही हूँ ना, मैंने देखा है सबसे ज़्यादा अगर वो पेजेस दिखा मुझे तो वर्ब में दिखा, फिर टेंस में दिखा। इसलिए लास्ट नाइट मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं टेंस ख़त्म कर लूँ, क्योंकि टेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन मॉडल्स। तो इसीलिए मैंने आज बाकी बैच को भी मैसेज करवाया कि जिसका टेंस छूट गया वो आ जाओ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। टेंस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ वन मोर रीज़न, कि टेंस ही पे बेस्ड आपके पैसिव वॉइस और नरेशन है, जो मेंस में 45 क्वेश्चन होता है। लेकिन टेंस इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि टेंस और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कौन कौन से तीन चैप्टर्स है देखो, वर्ब, टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वर्ब में मैं क्या करा रही हूँ, मैंने आपको वर्ब समझा दिया, बेसिक कंसेप्ट पूरा समझा दिया है आपको, है ना, और जो वर्ब मेन वर्ब से जहाँ से क्वेश्चन आता है वो मेन वर्ब मैंने कहा है रटते रहो, मैं आपको शीट से करवाते रहूँगी। लेकिन टेंस चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, बहुत सारे बुक्स में और बहुत सारे टीचर्स टेंस को जब बोलते हैं तो कहते हैं टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस करके कुछ नहीं होगा। द रीज़न देखो, ध्यान से सुनो, आई टीच यू, आई टॉट यू एंड आई विल टीच यू, कहाँ मैंने आपको टाइम लगाया, क्या टेंस खुद में सफिशिएंट नहीं है कि वो टाइम बता दे रहा है? सो टेंस खुद में भी टाइम बताने की क्षमता रखता है, इसलिए ध्यान रखना कि वी डोंट से टाइम एंड टेंस, वी कैन सिंपली से टेंस। और अगर आप टाइम एंड टेंस बोल रहे हो, उसका मतलब है आपने उसके टाइम के पार्ट को अलग करने की कोशिश कर दी। हाँ, कभी कभी हम कहते हैं आई एम टीचिंग यू नाउ, आई टीच यू एवरी डे, आई टॉट यू यस्टरडे, आई विल टीच यू टुमारो, तो चलता है, उतना चलता है। लेकिन मेरा कहना है कि टेंस का मतलब दैट डिटरमिन्स द स्टेट ऑफ समथिंग, द सब्जेक्ट एंड द एक्शन। स्टेट एंड एक्शन दोनों ध्यान से देखो। इफ आई से आई एम अ टीचर एंड आई एम टीचिंग, ये मेरा स्टेट बता रहा है, ये बता रहा है कि मैं क्या हूं, और ये बता रहा है मैं क्या कर रही हूं। सो टेंस क्या करता है, इट determines or denotes the state and action, ठीक है। और टेंस के द्वारा हम किसी का स्टेट और उसका, अगर मैं कहूँ आई वॉज अ टीचर, इसका मतलब पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ, थी यानी पास्ट स्टेट की बात कर रही हूँ। आई विल बिकम अ टीचर तो फ्यूचर स्टेट की बात कर रही हूँ, एंड आई टीच इसका मतलब है कि मैं पढ़ाती हूँ, मैं अपने एक्शन की बात कर रही हूँ। सो टेंस क्या क्या डिटरमिन करता है या क्या क्या डिनोट करता है, एक तो वो एक्शन को डिनोट करता है और दूसरा वो स्टेट को डिनोट करता है, ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम। नाउ कमिंग टू कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो यू नो वेरी वेल कि टेंस को हम तीन में बांटे हैं, कौन कौन सा है बताओ तो, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है एंड फ्यूचर होता है। ठीक है, इन चारों का भी फोर सब पार्ट्स है, और वो सब पार्ट्स है इनडेफिनेट, फर्स्ट,
सेकेंड है कॉन्टिन्यूस, थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूस। ये फोर सब पार्ट्स हैं इसके। एक एक टेंस बहुत लंबा लंबा चलेगा, बहुत डिटेल में आप टेंस को पढ़ोगे, लेकिन ध्यान रखना कि एक आपकी इच्छा होती है कि मैं इंग्लिश बोलूं भी, है ना। इसीलिए इंग्लिश बोलने के लिए आपको सिर्फ टेंस का खाली इतना ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में इनडेफिनेट यानी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल बताता है। प्रेजेंट सिंपल मतलब जो आप रोज करते हो, जो साल में एक बार करते हो, जो दिन में तीन बार, यानी देख रहे हो करते हो, दैट मीन्स रूटीन। आपकी सारी आदतें आपकी रूटीन है। रूटीन का हिंदी क्या होता है? रूटीन का हिंदी बताओ तो। जो लोग दिनचर्या बोल रहे हैं, दैनिक बोलेंगे, नियमित बोलेंगे, सही में रूटीन का हिंदी करके रख देंगे। उसका रीजन क्या है कि रूटीन का हिंदी मत बोलो। रूटीन मींस रूटीन। साल में एक बार भी जाते हो कहीं बाहर तो आपका रूटीन है। दिन में अगर तीन बार चाय पीते हो तो वो भी रूटीन है। कभी कभार आप एक्सरसाइज करते हो तो भी रूटीन है, क्योंकि वो क्या है, वो रेगुलर रूटीन नहीं होके इररेगुलर रूटीन हो गया। गॉट इट? दिस मींस कि अगर आप रूटीन की बात करते हो तो रूटीन भी रेगुलर होता है, इररेगुलर होता है। इसीलिए जो भी आप करते हो दैट इज सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इनडेफिनिट। थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्रेजेंट इनडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट का, वो बाद में देखेंगे। अभी हम लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि सिंपल प्रेजेंट क्या, यानी रोज जो करते हो, साल में एक बार जो करते हो, दिन में तीन बार जो भी करते हो, सूरज का रोज उगना रोज डूबना वो भी तो रूटीन है। मैं क्यों उसको यूनिवर्सल ट्रूथ में लगा के और उसको भारी भरकम करूं, वो भी रूटीन है। ठीक है, इसका मतलब आपकी हैबिट हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कुछ भी हो, जो होता है रेगुलर इंटरवल पे या इररेगुलर इंटरवल पे, सब रूटीन है। सो वी से इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। फाइन, देखो मैंने कहा प्रेजेंट में होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो पास्ट में हुआ या पास्ट में होता था तो ठीक है पास्ट इंडेफिनिट कर दो, जो फ्यूचर में होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट कर दो। इंडेफिनिट क्यों बोला? क्योंकि मैंने डेफिनेट कहा ना, टाइम डेफिनेट नहीं, इसे तो मैंने कहा एवरी डे की बात नहीं कर रही हूं मैं। हो सकता है मैं आपको टाइम भी नहीं लगा के दूं, लेकिन फिर भी समझोगे कि ये होता है ना। आई कम हियर मतलब ये होता है। सो वॉट एवर इन प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वॉट एवर इन पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, एंड वॉट एवर इन फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट। गॉट इट? इंडेफिनिट, इसे तो कहा इंडेफिनिट। टाइम मे बी देयर और मे नॉट बी देयर, दैट्स इट। आज आप कंटिन्यूस में, जो भी कंटिन्यूड है, गोइंग ऑन है, बहुत आसान टेंस है। मैं पहले इसी को पढ़ा कर खत्म कर दूंगी, बहुत आसान है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि क्वेश्चन आसान पोर्शन से नहीं आएगा, है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ा रही हूं, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आई एम टीचिंग यू। पढ़ा रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूस, आई वॉज टीचिंग यू। एंड पढ़ा रही होंगी, जो हो रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो हो रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूस, जो हो रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। आई विल बी टीचिंग यू एट दिस टाइम डे आफ्टर टुमारो। गॉट इट? दैट मीन्स एक दिन छोड़कर एक दिन भी मैं कर रही हूं तो वो मेरा इनडेफिनिट है। आई टीच यू एवरी ऑल्टरनेट डे, आई एम टीचिंग यू नाउ, आई विल टीच यू डे आफ्टर टुमारो। और उस समय मैं पढ़ा रही होंगी इसी समय, तो आई विल बी टीचिंग यू एट दिस टाइम डे आफ्टर टुमारो, दैट इज कंटिन्यूस। कौन सा? फ्यूचर कंटिन्यूस कर दिया। आपको सिर्फ इतना ही जानना है स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड आपको बहुत बारीकी में नहीं उतरते, लेकिन आप एक चीज़ मार्क करोगे कि जब हम आपको ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पढ़ाएंगे तो एक एक का कई यूजेस बताना पड़ जाता है मुझे। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब तो समझते हो हिंदी में, परफेक्ट मतलब क्या, एकदम ठीक ठाक, सब कुछ ठीक। लेकिन मैं टेंस में कहूंगी परफेक्ट का मतलब मान के चलो खत्म, खत्म, फिनिश्ड। ठीक है,
प्रेजेंट में परफेक्ट का मतलब प्रेजेंट में फिनिश्ड। कुछ तो डिफरेंस हो जो इतिहास में हो चुका और जो अभी अभी खत्म हुआ, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। इसीलिए जो पास्ट में खत्म हो गया उसको हम पास्ट इंडेफिनिट से डिनोट कर देते हैं, है ना, और जो अभी अभी खत्म हुआ उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट से डिनोट कर देते हैं। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट में खत्म, पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में ही खत्म, एंड फ्यूचर परफेक्ट जो फ्यूचर में खत्म हो जाएगा, हो चुका होगा, राइट। इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट मीन्स अगर मैं कहूँगी नेक्स्ट क्लास तक ये चैप्टर खत्म हो चुका होगा, तो फ्यूचर में खत्म हो चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ रफ आइडिया समझ में आ रहा है आपको? बिफोर गोइंग टू द डिटेल ऑफ द चैप्टर आई वॉन्ट यू टू बी परफेक्ट। परफेक्ट यहाँ कुछ और मीनिंग है ना, परफेक्ट इन बेसिक यहाँ कुछ और मीनिंग है। परफेक्ट इन टेंस का मतलब खत्म। अब आ जाओ लास्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट यू नो द मीनिंग, कॉन्टिन्यूस ऑल्सो यू नो द मीनिंग। सो वॉट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? खत्म भी और गोइंग ऑन भी, ये कैसे हो सकता है? देखो मैंने आपकी क्लास शुरू की 3:30 बजे, शुरू हो चुका यानी परफेक्ट अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूस है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ। मैं अगर आपको कहूँ मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो आई एम टीचिंग यू, लेकिन अगर मैं कहूँ मैं 3:30 बजे से पढ़ा रही हूँ, तो ऑलरेडी डन स्टार्टेड, परफेक्ट हो गया, और अभी भी गोइंग ऑन, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं हो गया। वो आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, क्यों? क्योंकि वो शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या है? पास्ट में ही खत्म और पास्ट में कॉन्टिन्यूस था। अगर आप कहोगे कि आप 2 बजे से मैथ्स पढ़ रहे थे, 2 बजे शुरू हो गया, चला, चलता रहा, कंटिन्यूड था, और अब चल रहा है क्या? नहीं, इसका मतलब पास्ट में ही खत्म और पास्ट में चल रहा था। तो कहोगे वी हैड बीन स्टडिंग मैथ्स सिंस 2 PM। क्यों? क्योंकि अब तो नहीं पढ़ रहे, ठीक है। और जब हम फ्यूचर में किसी चीज को होता हुआ दर्शाना चाहते हैं और किसी एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम तक उसको परफेक्ट मान लेते हैं, परफेक्ट का मतलब वहाँ तक खत्म हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी वहीं तक पॉइंट ऑफ टाइम मान लिए क्योंकि वहाँ हमने परफेक्ट कर दिया, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। इसका इस्तेमाल बहुत लिमिटेड वे में हम लोग करते हैं। जैसे अगर मानो आप मुझसे पूछोगे कि दिल्ली में कब से रह रहे हो, और मुझे थोड़ा बहुत याद है कि मैं जुलाई के एंड में मैं दिल्ली आई थी 5 साल पहले। अगर मान लो मैंने ये महसूस किया, तो मैं थोड़े कहूँगी कि 4 साल हो गए, 11 दिन हो गए, 11 महीने हो गए, और कितने दिन हुए वो गिनने लगूंगी, वो नहीं करूँगी। मैं कहूँगी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, क्योंकि जुलाई चल रहा है और मुझे याद है कि जुलाई के एंड में मैं आई हूँ, है ना, तो कहूँगी कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स। क्या किया? खुद सोचो, मैंने बताया कि इस महीने के अंत तक उसको मैंने परफेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम मान लिया, और तब तक मेरा यहाँ पे रहना जारी तो रहेगा ना, है ना, तो उसको मैंने क्या कहा कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, और मेरे रहते हुए कितने दिन हो जाएंगे वो मैं बता रही हूँ, यानी कि मैं अपना कंटिन्यूस बता रही हूँ, एक्शन होता रहेगा तब तक रहना मेरा, और किस तक समय तक, एक पॉइंट ऑफ टाइम को मैंने परफेक्ट मान लिया उस समय तक। बस आपको स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से सिर्फ इतना ही टेंस चाहिए, एंड यू नीड टू प्रैक्टिस द टेंसेस, ठीक है। इसलिए किसी भी एक वर्ब को अगर मैंने दे दिया, तो उस वर्ब को आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होता है, स्टूडेंट्स कोई भी वर्ब उठा लेते हैं, अपने मतलब का वर्ब उठाते हैं जो उसके काम का है, है ना। अब लड़के वर्ब उठाते हैं आई लव हर, क्लियर, और जैसे कंटिन्यूस में आएंगे आई एम लविंग हर, वही खत्म। क्यों? क्योंकि लव ING फॉर्म में नहीं आता। अब कई स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि आपने कई बार ये चीज पर एम्फोसाइज किया ING फॉर्म में लव नहीं आता, तो मुझे ये बताओ फिर लव का ING फॉर्म आपने दिया क्यों?
आप नो का भी आईएनजी फॉर्म दे दिए हो, लव का भी आईएनजी फॉर्म दे दिए, कहते हैं इनका आईएनजी फॉर्म नहीं आता, उसका मैं रीज़न बताऊंगी कंटिन्यूस टेंस में। इसीलिए जब आप कोई वर्ब उठा रहे हो ना, कोई भी वर्ब उठा के प्रैक्टिस करते हो, ब्लाइंडली प्रैक्टिस करो। मैंने आपको क्या कहा है शुरू से ही कि आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसी को उठा लो। इसीलिए लव उठाया तो उसमें तो मिस्टेक हो गया, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी आपको जो भी वर्ब उठाना है उसको उठाओ, उसको सारे टेंस में फिट करना, और सब टेंस का पहले फॉर्मूला आ जाए उसके बाद फिट करेंगे। इसीलिए पहले तो एक रफ आइडिया आ गया, इनडेफिनेट क्या है, होता है, होता था, है ना, मतलब जो क्या है, रूटीन है, प्रेजेंट का रूटीन, प्रेजेंट इनडेफिनिट, पास्ट जो चलता था या चला, पास्ट इनडेफिनिट, फ्यूचर में जो होगा, फ्यूचर का रूटीन तो, या फ्यूचर में जो होगा वो क्या होता है, सिंपल फ्यूचर, यानी फ्यूचर इनडेफिनिट, जो हो रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जो हो रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूस, और जो कंटिन्यूस होगा फ्यूचर में वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट में जो फिनिश, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में जो फिनिश, पास्ट परफेक्ट बहुत डिटेल में पढ़ोगे, एंड फ्यूचर में जो फिनिश्ड, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी शुरू हो चुका और चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चल रहा था अब नहीं चल रहा, खत्म, परफेक्ट हो चुका तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक, जहां पर हम दिखा देंगे यहां पर खत्म है उस मामले को, हम यहीं तक ले रहे हैं, वहां तक जारी रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर, यहां तक बोलो कोई प्रॉब्लम है तो। नहीं, नेक्स्ट पॉइंट में आओ जो टेंस का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम? हाँ सॉरी, अभी आपका वर्ब कंप्लीट हो भी नहीं सकता क्योंकि वर्ब में आपका मॉडल्स भी है, ठीक है। मैंने आपको जो होमवर्क दिया है आज उसका दूसरा शीट दूंगी। अभी वर्ब आपका रेगुलर जारी रहेगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वर्ब के फॉर्म्स याद कर रहे हो, याद कर रहे हो ना, और वो फॉर्म्स जो याद कर रहे हो पहले उसको मैं प्रैक्टिस करा के ख़त्म करा दूँ आपको, क्योंकि जो सेकेंड पोर्शन था ना वर्ब का वो प्रॉब्लम है, उस पर उससे क्वेश्चंस कम है, उसके क्वेश्चंस कम आते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ पहले आप टेंस में आ जाओ, जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं पहले उनको कर ले। वो कहाँ है, उसको बोलना सेकेंड शीट बांट देगा आज, टास्क टू वाला। आ जाओ नेक्स्ट पोर्शन में, दैट इज यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इंटेंस, इसमें आ जाओ, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब इंटेंस। ध्यान से देखो, जो हेल्पिंग वर्ब है ना, सबसे पहले आ जाओ जो बी का फॉर्म हम लोग कर रहे थे उसका हैव का आ जाओ और डू का आ जाओ। ये देख लो, मैंने वो क्या कहा था कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं किस चीज में, जरा बताओ तो, किस रूप में करते हैं हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल, किस रूप में करते हैं? मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए करते हैं, दैट्स इट ना, मेन वर्ब को ये हेल्प करता है, मेन वर्ब उसके साथ आ सकता है। मैंने कहा था कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का ये काम करता है। अब आ जाओ कि मैं पहले बी का फॉर्म्स दिखा दूं, इसका जो फर्स्ट फॉर्म है ना, बी इज एम आर, वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म है इसका वॉज वर है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका थर्ड फॉर्म बीन है, ठीक है। ये आपका बी का फॉर्मेशन देख लो, सो देख लो जो बी का यूज है, हमने इसको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में आता है। अभी फिलहाल इसको हम टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे वो जरा आप लोग देख लेना। नेक्स्ट आओ हैव का,
इसका फर्स्ट फॉर्म था हैज और हैव, सेकेंड फॉर्म क्या होता है इसका हैड, और थर्ड फॉर्म क्या होगा इसका हैड, और लास्ट आओ डू का इसका फर्स्ट फॉर्म डू डज है, सेकेंड फॉर्म डिड है और थर्ड फॉर्म डन है। ठीक है, सो इन तीनों से ही मैं बाकी सारे वर्ब्स को रिलेट कर दूंगी, क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट फॉर्म में डू डस लिखवा रही हूं, वी वन में हैज हैव लिखवा रही हूं, वी वन में इज एम आर लिखा रही हूं, बी भी लिखा रही हूं। बड़ा विचित्र लग रहा है कि आप चार फॉर्म्स, यहां दो फॉर्म्स, यहां पर भी दो फॉर्म, ये क्यों यूज कर रहे हैं ध्यान रखना। मैं आपको हर टेंस में बताऊं ना कि ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ इज लगाओ, फिर दूसरे में बताऊंगी ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ वॉज लगाओ, मैं उतना लगाने के लिए क्यों बताऊं आपको। मैं स्ट्रेट अवे आपको इसमें से कह दूं कि जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करोगे, जहां पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट आया आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट, पूरा फुल फॉर्म ही लिख लो। सिंगुलर सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, कौन कौन है सिंगुलर सब्जेक्ट बताओ तुम, आप लोग आई बोल रहे हो, सबसे पहले ही लगाओ, शी लगाओ, इट, किसी का भी नेम हो जाए, और बॉय गर्ल जो भी आप एक वचन में ले लो, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है, आप देखो जैसे मैंने सिंगुलर में कहा बॉय है ना, नेम में मैंने कह दिया जैसे राम, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। सिंगुलर वर्ब में जैसे मैं बता दूं ही गोस लगाते हो, राम गोस लगाते हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ई एस लेता है। ठीक है, बड़ा अजीब सा लगा कि आपने बॉय लगाया और गोस लगाया, क्यों? उसका रीजन ये है कि जब आप सिंगुलर नाउन लेते हो ना, तो उसमें एस ई एस नहीं होता, लेकिन अगर सिंगुलर वर्ब लेते हो तो उसमें एस ई एस होता है। ये ध्यान, उल्टा चलता है, उल्टा चलता है, इसीलिए जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वो सिंगुलर वर्ब लेता है, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वो प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, अब आ जाओ, अभी जो हमने इतना जो आपको कराया है इसी पे मैं आपको बेस्ड सारे वर्ब का बता दूं कि आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगा रहे हो और कह रहे हो सिंगुलर वर्ब में एस या ई एस फॉर्म लगता है, तो इसमें एस ई एस फॉर्म लगा है इज के साथ, मैं इज लगा दूं, इसमें एस ई एस फॉर्म वाला हैस है इसको हैस लगा दूं, एस ई एस फॉर्म यहां पे डस है डस लगा दूं, यानी मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं प्ले लगाऊंगी तो प्लेस करना पड़ेगा, है ना, अगर मैं गो लगाऊंगी तो गोस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब भी कोई वर्ब लगाऊंगी उसमें मुझे एस या ई एस लगाना पड़ेगा। मैंने ये तीन वर्ब से ही समझ लिया और मैंने चौथा सारे वर्ब्स का रूल बना दिया कि जो वर्ब आएगा सब में एस या ई एस लगेगा। ठीक है, कब? जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करने की बात करेंगे तब। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक, लिख लो पहले इतना।
क्लियर हो गया? अब सुनो, इसमें एक चीज ध्यान दो, मैंने कहा एस या ई एस लगेगा। अब उसका भी तो प्रॉब्लम है कि एस किस में लगेगा, ई एस किस में लगेगा, है ना? ध्यान से देखो, हम ई एस वहां लगाते हैं जहां पे नाउन की बात कह लो या वर्ब की बात कर लो, जिसकी भी बात करोगे, अगर वो नाउन या वर्ब खत्म हो रहा है कुछ पर्टिकुलर लेटर्स में, तभी आप ई एस लगाते हैं। वो लेटर आखिरी लेटर होना चाहिए, नाउन या वर्ब एंड करना चाहिए ओ डबल एस सी एच एस एच जेड एक्स और ओ में, सॉरी ओ तो हो गया। एस डबल एस सी एच एस एच जेड एक्स और ओ में खत्म होगा तो हम ई एस लगाएंगे, और नहीं तो हम ई एस, हम नहीं तो सीधा एस लगाएंगे। इसीलिए प्ले लिखते हो तो सीधा प्लेस लिख देते हो, लेकिन अगर वर्ब के रूप में अगर लिख रहे हो आप ब्रश, ब्रश तो नाउन भी होता है, तो देखो ब्रशेस हो गया। गवर्नमेंट की बात करोगे कि हम पर टैक्स लगाती है तो टैक्सेस भी हो जाएगा, और अगर नाउन के रूप में टैक्स लगाओगे तो भी तो देखो टैक्सेस होता है, ठीक है? बोलो समझ में आए कि नहीं? और वो नाउन में भी वही रूल चलता है, इसीलिए नाउन में जहां पर ओ में खत्म होता है और वहां ई एस नहीं लगता ना, क्वेश्चन वहां से आता है, क्योंकि जो रूल्स है उतना तो आपको आता होगा, वो मान के चलते हैं। आपको शायद एक्सेप्शन नहीं आता होगा तो क्वेश्चन वहां से आता है। इसीलिए हीरो से क्वेश्चन नहीं आता प्लूरल बनाने का, पियानो से आता है, पी आई ए एन ओ, उसका प्लूरल क्या होगा? रूल के अकॉर्डिंग तो ई एस लगना चाहिए लेकिन लगता है सिर्फ एस। गॉट इट? अब सुनो, मैंने आपको कहा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है जिसमें आप एस या ई एस लगाते हो, और एस या ई एस वाला तो ये बता दिया मैंने, लेकिन जानते हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में एस या ई एस लगता है, है ना? पास्ट टेंस में तो एस या ई एस नहीं लगता, पास्ट टेंस में तो सीधा क्या लगेगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लेकिन देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी हमारे पास दो था, वॉस और वर था, तो चलो हम यहीं पर डिस्टिंग्विश करके खत्म कर दें ताकि बाद के लिए हमारा वो झंझट ना रहे। अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखोगे ना तो वॉस लगता है, हालांकि ये पास्ट टेंस है, मुझे इसके साथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं चाह रही हूँ एक ही साथ फिनिश कर दूँ सब, है ना? इसीलिए यह वॉस लगता है, तो इधर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? वर लगता है। अब मेरा ये पूरा खत्म हो गया, मैं इसके साथ एस ई एस वाला पोर्शन में नहीं लगाना चाह रही थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि देखो वो एक प्रॉब्लम है कि वो पास्ट है और पास्ट के वर्ब के साथ आप एस ई एस की बात नहीं करते, है ना? सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस ई एस पढ़ते हो। फिर भी बता दूं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉस लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगता है। मामला यहीं पर खत्म हो गया सारा, कि सिंगुलर सब्जेक्ट में ये सारे आते हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है और वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, चलो बाद में देखेंगे, लेकिन हमें बार बार ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना आपको कि ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ इज लगता है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे, कहेंगे देखो ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ हैस लगेगा, बाकी के साथ हैव लगेगा। फिर आएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, फिर बताएंगे डस लगता है। फिर आएंगे पास्ट में, फिर बताएंगे आपको कि वॉस सिंगुलर के साथ लगता है। क्यों मैं इतना बताऊं, मैं आगे ही खत्म कर दे रही हूं आपको, है ना? प्रॉब्लम तब आता है जब आप, जैसे मैंने कहा था ना सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होता है, आप लोगों ने तुरंत सबसे पहला नाम आई का लिया। आई बड़ा विचित्र एक्सेप्शन है, वो देखो आई एक्सेप्शन कैसे है। आई ऑफकोर्स सिंगुलर है फॉर्म से, तो ये बिल्कुल भी प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है ना? लेकिन आप कहते हो आई एम अ टीचर, मैंने कहा, है ना? तो ये जो एम है वो तो एक अलग ही वर्ब हो गया, है ना? उसके बाद आई एम कमिंग, आई वॉज कमिंग, ये वॉज तो अभी मैंने सिंगुलर के साथ लगाया,
फाइन, लेकिन आई हैव कम कह देती हूँ तो ये लो, ये तो प्लूरल हो गया। आई डू माई वर्क कहते हैं, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं बिना एस ई एस के। दिस मीन्स कहीं मैं सिंगुलर वर्ब लगा रही हूँ, कहीं मैं प्लूरल वर्ब लगा रही हूँ, यहाँ पर भी प्लूरल वर्ब लगा दिया, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इसीलिए याद रखना कि आई फॉर्म से सिंगुलर है लेकिन वर्ब से कहीं सिंगुलर है कहीं प्लूरल, इसीलिए इसके चक्कर में आप सिंगुलर वर्ब में मत डाल देना वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। दिस मीन्स व्हाट, एक जगह सिंगुलर ले रहा है, यहाँ एक एक्सेप्शन वाला वर्ब ले रहा है, अलग सा ही वर्ब है, यहाँ पे तो प्लूरल वर्ब ले रहा है, वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेगा। आई वॉज ले लिया, क्या कहते हैं आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, कहोगे आपने प्राइम मिनिस्टर कभी थोड़ी बने हो, आप ये विक्षा व्यक्त कर रहे हो अगर मैं प्रधानमंत्री होता। मैं ये कह सकती हूँ आई वॉज अ स्टूडेंट एट योर एज, इसका मतलब है मैं अपनी पास्ट बता रही हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर, तुरंत टोकोगे कि ये आपकी इच्छा है, ये पास्ट तो नहीं है आपका। इसीलिए वॉज से हम पास्ट बताते हैं, लेकिन होता क्या है ना, स्टूडेंट्स को पता रहता है कि अच्छा आई आई के साथ हाव लगता है, आई के साथ वी वन लगता है, तो आई के साथ वर लगेगा, वर कभी नहीं लगता आई के साथ, वेर नहीं बोलते उसको, वर बोलते हैं, वो कभी नहीं लगता है। आप सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगाते हो, कब, काल्पनिक वाक्यों में, जब आप इमेजिनरी पोस्ट बताते हो। ध्यान से सुनो फिर से क्या कहा मैंने, शुरू से मैंने कहा टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीन, उसके सब प्रकार कितने हैं, चार चार, ठीक है। जब मैंने आपको इनफाइनाइट कहा, प्रेजेंट सॉरी इनफाइनाइट नहीं, प्रेजेंट इनडेफिनिट कहा, जैसे मैंने इनडेफिनिट कहा समझ में आ गया होता है तो प्रेजेंट, होता था या हुआ तो पास्ट, और होगा तो फ्यूचर। कॉन्टिन्यूस जारी अवस्था दर्शा रहा है, अभी कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट में कॉन्टिन्यूस तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, खत्म कब, प्रेजेंट में, क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, जो पास्ट में खत्म पास्ट परफेक्ट, जो फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस उसकी जारी अवस्था भी बताता है, कब शुरू हुआ वहां से लेकर या कब खत्म हुआ वहां तक लेकर, है ना। इसीलिए ये चारों प्रकार का हुआ। फिर मैंने कहा टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि ठीक है मेन वर्ब तो हम साइड बाय साइड करते जा रहे हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का तो यूज़ पता चले। हमने आपको सिर्फ बी का फॉर्म बताया, डू का फॉर्म बताया, हैव का फॉर्म बताया, है ना। क्यों बताया फॉर्म, क्योंकि उसमें से छांट के मैंने सिंगुलर वाला वर्ब लिख दिया। सिंगुलर वर्ब मुझे अलग से क्यों चाहिए, क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सा है, ये सारा है, अगर ये सारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ ये लग गया, तो बाकी कौन कौन बच गया, बाकी बच गया आई यू वी दे, सारा बहुवचन प्लूरल। आई को अलग हटा दिया, क्यों, क्योंकि आई तो पंगा कर रहा है, एक जगह सिंगुलर ले रहा है, एक जगह अजीब सा वर्ब ले रहा है, एक जगह पर प्लूरल ले रहा है, अधिकांश जगह पे वो प्लूरल लेता है तो हम कंफ्यूज कर गए कि हम वॉज का वर कर देते हैं जनरली। आई वर अ टीचर, आई वर अ डॉक्टर, नहीं, अगर वो आपका पास्ट होता तब आप कहते हैं आई वर, आई वॉज अ डॉक्टर, अगर आप इमेजिनेशन कर रहे हो तब तो चलेगा आई वर अ टीचर। क्यों, वही लिखो, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट। काल्पनिक वाक्यों में, वेरी इंपॉर्टेंट, काल्पनिक वाक्यों में, इन इमेजिनरी सेंटेंसेस, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग होता है। इन इमेजिनरी सेंटेंसेस वी यूज वर्ब with all the subjects, we use verb with all the subjects. ऐसे हम काल्पनिक पद को बताने के लिए करते हैं, we do so to indicate, we do so to indicate imaginary posts,
वी डू सो टू इंडिकेट इमेजिनरी पोस्ट्स। ऐसा हम काल्पनिक पद बताने के लिए करते हैं। चलो 5-7 सेंटेंसेस लिखो। तो ये कंडीशनल सेंटेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसलिए मैंने एक सेंटेंस कंडीशनल का दे दिया। अदरवाइज आपको कंडीशनल पोर्शन देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ उतना ही पोर्शन बताना है जो आपको मैंने समझाया। आई विश आई वॉज अ बर्ड, क्या मैं बर्ड थी कि मैं बर्ड होती, ये कह रही हूँ आपको। क्या कह रही हूँ? काश मैं बर्ड होती। कैसे बनाओ? आई वर अ बर्ड। इसमें अगर वो प्रधानमंत्री होता तो समाज के कल्याण के लिए काम करता, ये कहना चाह रही। क्या होना चाहिए? यस, वो प्रधानमंत्री था थोड़ी, प्रधानमंत्री होता। इफ के स्थान पर कई बार हम वुड दैट भी यूज करते हैं, शुड भी यूज करते हैं, बाद में देखोगे, लेकिन ये वुड दैट का मतलब ही मान लो कि ये इफ होता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, कई बार हम इफ के प्लेस पे शुड भी देखते हैं, कई बार हम इफ के प्लेस पे वुड दैट देखते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना कि बोलना क्या चाह रहा है? ही वॉज इन माई शूज का मतलब है कि अगर वो मेरी जगह होता, इन माई शूज का मतलब ही वही होता है, मेरे जूते में होना मतलब वो बात नहीं निकलता, मतलब होता है कि वो वहाँ खड़ा होता जहाँ पर मैं हूँ, यानी उसकी वो हालत होती जो मैं फेस कर रही हूँ। काश वो मेरी जगह पे होता, इसका मतलब वो है थोड़ी, आप चाह रहे हो ना, तो क्या कहोगे? ही वर। और आपको पता है आपको ही शी और आई से ही क्वेश्चन देगा, क्योंकि सबको पता है कि ही के साथ क्या आता है? वॉज आता है। शी के साथ क्या आता है? वॉज आता है। आई के साथ भी वॉज आता है, तभी तो यही तीनों से क्वेश्चन दिया आपको, क्योंकि ही, क्योंकि यू के साथ तो हमेशा वर आता है, तो उसमें तो कोई पंगा ही नहीं है, वर उसमें भी वर इसमें भी। लेकिन जिसके साथ वॉज आता है ना, उसके साथ वर लगाने में आप सोचते हो, ही के साथ वर तो कभी सुना ही नहीं है,
नेक्स्ट आओ, सही है, बोलो। शी के साथ वर्थ तो लगा दिए लेकिन आई होगा, याद है मैंने आपको सब्जेक्ट बताया था, सब्जेक्ट क्या होता है? हाँ, करता, जो करने वाला होता है ना, जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है। ध्यान से सोचो, मैं कह रही हूं कि अगर वो मेरी जगह होती, अगर वो मेरी जगह होती, दिस मीन्स मैं मान के चल रही हूं कि अगर वो मेरी जगह होती, इसका मतलब है कि वो मेरे पर कोई काम थोड़ी कर रही है। वो सब्जेक्ट है कि मैं सब्जेक्ट हूं? मैं सब्जेक्ट हूं। मेरा सब्जेक्ट के प्लेस से रिप्लेस कौन कर देता? ये लड़की कर देती। यानी मैं खुद अभी क्या हूं? सब्जेक्ट हूं। यहां पर देखो, ये लड़की इस काम को इस पर थोड़ी कर रही है। क्या कर रही है वो लड़की? खाली मैं बोल रही हूं कि अगर ये लड़की सब्जेक्ट होती, किसकी जगह पे? मेरी जगह पे। मैं कौन हूं? सब्जेक्ट हूं ना, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से ही तो रिप्लेस करोगे, ऑब्जेक्ट कैसे ले आओगे? फिर से ध्यान से सोचो, अगर मैं, फिर से ध्यान से सुनना, अगर मैं ये कह रही हूं आई टीच हिम, तो यहां काम करने वाला कौन है? आई, ये सब्जेक्ट है। क्या किया? ये किया। और उस काम को रिसीव करने वाला कौन है? हिम, वो ऑब्जेक्ट है। तभी तो हिम लगाया है ना, हिम लगाया। लेकिन ये लड़की इस काम को मेरे ऊपर थोड़ी कर रही है ना, यहां पे वो फॉर्मूला तो फिट नहीं होगा, क्योंकि ये लड़की इस काम को मेरे पर नहीं कर रही है, बल्कि मैं सब्जेक्ट हूं। मैं चाह रही हूं कि अगर मेरे जगह पे ये होती तो, यानी कि दोनों सब्जेक्ट, इसलिए मी नहीं आई होगा। अंडरस्टूड? लेकिन वर ही तो रहेगा। वर क्यों रहेगा? क्योंकि ये इमेजिनेशन है कि अगर वो मेरी जगह होती तो ये टॉलरेट नहीं करती। गॉट इट? क्या समझाया? कि काल्पनिक पद के लिए, फॉर इमेजिनरी पोस्ट, यूज वर विथ ऑल द सब्जेक्ट एंड यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम ओनली ही, शी, इट एंड आई। द रीजन ही, शी, इट और आई के साथ वॉज यूज होता है, और सब लोग जो बेसिक ग्रामर पढ़े होते हैं उनको पता होता है कि ही के साथ वॉज लगता है। ही के साथ कभी सोचते ही नहीं कि वर्ड लगता है। क्या बताया? बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, इसलिए तो बताया इसको। क्यों इंपॉर्टेंट पोर्शन है? क्योंकि हमेशा यही पंगा है कि जो चीजें एक्सेप्शन वाली होती है ना, उसी से क्वेश्चन आता है। बोलो, कुछ समझ में जो नहीं आया बताओ। एनीथिंग? सॉरी, सेकेंड वन, सेकेंड वन इज कंडीशनल वन एंड लास्ट वन ऑल्सो। हाँ, और कुछ पूछना चाह रहे थे इसके अलावा? क्या मैं चेंज होता है? जो आईईएस में चेंज होते हैं ना, वो ये होते हैं जो वर्ब वाई में कन्वर्ट होते हैं, वाई से एंड होते हैं। अगर कोई वर्ब वाई में खत्म होता है, ठीक है, और उसके पहले कॉन्सोनेंट आता है, तो वाई क्या बन जाता है? आई, वाई आई बनता है ना। और उसके बाद अगर एस ई एस लगाना तो क्या लगाओगे? तो वही चीज है, वो अभी नाउन चैप्टर में भी उसको मैं इंक्लूड कर लूंगी, उसको भी रुक जाओ। सी, इफ इंदिरा गांधी, क्या लगाऊं? वर अलाइव। अगर जिंदा होती तो पाकिस्तान पर हमला कर देती, कुछ लोग
अटैक के साथ ऑन लगा देते हैं, अगर वर्ब है अटैक तो उसके साथ ऑन नहीं आता, क्योंकि आप लोग की आदत होती नहीं कि वर्ड को ट्रांसलेट करने की, जहां पे देखेंगे अटैक कर उस पर हमला कर देती तो ऑन लगाना तो एकदम अपना फर्ज समझ लेते हो, है ना, नहीं लगाएंगे तो वो फीलिंग ही नहीं आती है आप लोग की क्या? V1 फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वुड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। उस पोर्शन में ज़्यादा ध्यान मत दो अभी आप, ये कंडीशनल है, ये ध्यान मत दो आप, सिर्फ इसको देखो ना कि कह रहे हैं अगर जिंदा होती, मतलब नहीं है ना, दैट्स इट, क्लियर? बोलो, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वो समझ में आ गया ना? हाँ, सॉरी, जोर से बोलो, इफ आई वर, लिख के भेजो, नहीं समझ में आ रहा। तुम लोग इतना धीरे बोलते हो ना, यू में आओ, फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल दोनों है ये, क्यों सिंगुलर और प्लूरल दोनों है? यू वर्क हार्ड एक को बोल रही है एंड यू मस्ट वर्क हार्ड सबको बोल रही है, ठीक है ना? दिस मीन्स सिंगुलर प्लूरल दोनों है। थोड़े से छोटे से चिट में लिख के भेज दो आगे, बस मैं देख लेती हूँ। लेकिन हाँ बोलो, ज्यूरी कमिटी ये सब कलेक्टिव नाउन, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करने का तरीका अलग होता है। अगर उसको एक खट्टे एक के रूप में दिखा रहे हो, यूनानिमस के रूप में, यूनाइटेड दिखा रहे हो, या ऐसे ही उनकी कुछ बात बता रहे हो तो सिंगुलर आता है, जब उनमें मतभेद आ जाता है तो प्लूरल आता है। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को इसमें मिक्स मत करो, कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत अभी बाकी को, ठीक है? आप लोग एक काम कर सकते हो, देखो बात क्या होता है ना, कई बार आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप क्लास के बाद पूछ लिया करो, क्योंकि वो इसमें मिक्स हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? चैप्टर्स को मिक्स मत करो, आ जाओ वर्ब में आओ, मैं आपको दिखा दूं क्या क्या वर्ब है। देखो, यू के साथ हम आर यूज करते हैं, यू के साथ वर यूज करते हैं, यू के साथ हैव यूज करते हैं, यू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस ई एस यूज करते हैं। हाँ, इट, वही वर्ड तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, तो स्पेलिंग कार्टून, नॉन लिविंग होता और लाइव कार्टून की बात कर रहे हो? मैं यही चीज बोल रही हूँ ना, आप लिख के भेज दो, बिकॉज आपका जो क्वेश्चन है मुझे चाहिए, लिख के चाहिए, एक चिट में लिखवा के लाइए इसका क्वेश्चन। चलो, वही चीज मैं जान रही हूँ। सुनो, यू का फॉर्म मैंने सिंगुलर प्लूरल दोनों कहा, लेकिन देख रहे हो वर्ब खाली प्लूरल लगा रहे हैं, है ना, वर्ब खाली प्लूरल लग रहा है, इसीलिए ध्यान रखना, अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूँ ना, प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूँ जिसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है, प्लूरल वर्ब का मतलब हो गया वर्ब विदाउट एस ई एस वाला जो फॉर्म होता है ना, वर्ब विदाउट एस ई एस ये फॉर्म नहीं लगता, वो सिर्फ वर्ब लगता है, दैट्स इट, वी वन। कौन कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट होता है बोलो? वी, दे, यू भी लगा के इसी में छोड़ दो, है ना, और सारे प्लूरल बॉयज गर्ल्स, प्लूरल नाउन जितने हो गए सारे प्लूरल, क्यों? क्योंकि यू का समझ गए हैं सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन वर्ब तो प्लूरल होता है ना। ओके, तुम लोग है ना जो बोलते हो तो बहुत क्लैरिटी नहीं होता, ठीक है, आप लोग बहुत क्लैरिटी के साथ लिखते हो और बोलते हो तब जब आपकी इंग्लिश ठीक ठाक हो जाती है, तब
तब तक तो लगता है बस अगला समझ जाओ, है ना। सुनो, इसका क्वेश्चन था, इफ लाइफ वॉज अ कार्टून वी वुड एंजॉय इट, राइट। आगे मैंने लगा दिया इफ लाइफ, जैसे इसने खाली इतना ही दिया है, इफ लाइफ वॉज अ कार्टून कॉमा, तो मैं कह सकती हूँ वी वुड एंजॉय इट रादर सफर, रादर सफरिंग वी वुड एंजॉय इट। नाउ सी, वी वुड एंजॉय इट, मैंने कहा आगे का पोर्शन छोड़ दो, वो तो कंडीशनल सेंटेंस का हो गया। अगर लाइफ कार्टून होता है तो नहीं है ना, तो वॉज नहीं, वर आएगा। सेम चीज जहां पर भी लगा रहे हो, आपको लग रहा है इमेजिनेशन की बात है, इफ आई वर अ बर्ड, उसी के तो फॉर्मेशन में ये सेंटेंस आया, इफ लाइफ वॉज अ कार्टून, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। ठीक है, दिस मीन्स देखो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, सारा प्लूरल वर्ब आएगा और ये प्लूरल सब्जेक्ट सब यही है। यू मैंने बता दिया प्लूरल वर्ब क्यों, प्लूरल वर्ब ही तो लगा रहे हैं इसलिए प्लूरल करके छोड़ दिया, हालांकि हम समझ चुके हैं कि सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। कंप्लीट क्लियर, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब में एस सी एस रहता है, बी का एस सी एस फॉर्म इज है, हैव का एस सी एस फॉर्म हैज है, और वॉज तो ठीक है पास्ट है लेकिन फिर भी तो वही वॉज सिंगुलर ही तो है। ठीक है, यानी जो भी वर्ब होगा उसमें एस ई एस लगा दो वो सिंगुलर वर्ब बन जाएगा, जो भी वर्ब होगा उसमें एस ई एस हटा दो तो प्लूरल बन जाएगा। क्या है उल्टा, बॉय में हम एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है और प्ले में एस लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है। इसका मतलब नाउन में जब एस ई एस लगाते हैं तो बहुवचन हो जाता है और वर्ब में जब एस ई एस लगाते हैं तो एक वचन हो जाता है, यानी राम लिखेंगे तो प्लेस लिखेंगे एंड बॉयज लिखेंगे तो प्ले लिखेंगे, यानी नाउन में एस लगाओ तो वर्ब में एस हटाओ। गॉट इट, इधर लगाएंगे तो उधर हटाएंगे, दैट्स इट। इसीलिए कहा ना कि नाउन का प्लूरल बनाना है तो एस लगा दिए, तो ठीक है मान के चलो कि वर्ब का एस उठ के इधर गया तो वर्ब में एस खत्म, और अगर इधर का एस नहीं है तो उधर एस लगेगा, एक तरफ लगेगा। हाँ, पुलिस, आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन, आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, लेकिन पुलिस इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन, पुलिस इज अ प्लूरल नाउन। ठीक है, पुलिस प्लूरल नाउन है, इसलिए तो क्वेश्चन पुलिस से आता है, आर्मी से जनरली क्वेश्चन कम रहता है क्योंकि सबको पता है आर्मी कलेक्टिव नाउन है, और पुलिस से क्वेश्चन रहता है क्योंकि वो प्रॉब्लम वाला है। यस अब एम बेसिकली क्या है, एम बी का फॉर्म है, बी इज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब, और जो एम है वो एक स्पेशल केस है जो सिर्फ आई के साथ आता है, दैट्स इट। ठीक है, सो एम इज व्हाट, इट इज हेल्पिंग वर्ब आल्सो, इट इज मेन वर्ब आल्सो, इट इज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है। ठीक है, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आता है। देखो कलेक्टिव नाउन का अभी आप पूछोगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पोर्शन है, कलेक्टिव नाउन जब इकट्ठा आता है तो सिंगुलर आता है, जब उसमें मतभेद हो गया दो भी ग्रुप बन गया तो प्लूरल हो गया। अब वो यहाँ पर कैसे पढ़ाओ मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ। हाँ मैम, जब हिंदी में कोई वर्ड मतलब सेंटेंस आता है जैसे कि आप एक शिक्षक, उसको उसको प्लूरल मतलब ई लगाकर उसको प्लूरल फॉर्म में आकर यूज करते हैं, बट जब वो इंग्लिश में रहेगा फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा तो कैसे करेंगे। बैठो, किसने कहा तुम्हें इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए, पहले ये बताओ। जो कहते हैं ना कि भावना समझाने के लिए तो वो इंग्लिश में फील करना पड़ता है आपको ना, हिंदी में फील करना पड़ता है। नहीं, अब बेचारे लड़कों के साथ बहुत समस्या है, बहुत समस्या है लड़कों के साथ, भावनाएं जो होती है वो तो हिंदी में ही आती है, दिल में सामने वाली इंग्लिश समझती है ना, अब उसके चक्कर में इंग्लिश सीखना पड़ता है और उसके बाद वो छोड़ कर तो जाएगी ही जाएगी, उसके बाद उर्दू सीखते हैं दिल का हाल बताने के लिए। आप लोग कितने लैंग्वेज सीखोगे। सुनो, बेसिकली आप जो हिंदी और इंग्लिश को ट्रांसलेट कर रहे हो ना, हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग इंडिया में दोनों को लेकर चलते हैं, क्योंकि अपना जब बात कहना चाहते तो वही कह रहा हूं ये कि यू आर अ टीचर, आर तो प्लूरल वर्ब है, लेकिन जैसे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो फिर कैसे पता चलेगा कि आपकी बात हो रही है सिर्फ, कि आप लोगों की बात हो रही है प्लूरल सिंगुलर का, तो कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने यही कहा कि जो यू है वो फॉर्म से सिंगुलर प्लूरल दोनों हैं, अगर मैं अकेली खड़ी हूँ तो भी कहोगे यू आर अ टीचर,
है ना, अगर हम तीन चार लोग खड़े हैं तो भी आप कह सकते हैं यू आर टीचर्स. टीचर्स से पता चल रहा है, यू से पता चलेगा ही नहीं. क्यों? हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हो ऑल ऑफ यू, बोथ ऑफ यू, इतना से पता चल सकता है. लेकिन अगर कहोगे सिर्फ यू से पता तो नहीं चलेगा. आगे से पता चलेगा कि अ टीचर बोल रहे हो तो एक ही व्यक्ति खड़ा है, टीचर्स बोल दे रहे हो तो प्लूरल हो जा रहा है. इसलिए यू आर से समझ जाना कि सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आता है. वी हैव फिनिश्ड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब जो हमें टेंस में जरूरी था. स्टिल वी नीड टू नो कि अभी हम जो वी वन और वी टू की बात कर रहे थे शुरू से, वी टू का इस्तेमाल हम पास्ट में करते हैं. ठीक है, देखो हम लोग बहुत कुछ खत्म कर दे रहे हैं, आपको बिना बताए मैं खत्म कर दे रही हूँ कि मैं टेंस में आ चुकी हूँ. फिर भी पोर्शन देखो, यहाँ पे इज आता है, यहाँ पे क्या आएगा? वॉज आएगा. यहाँ पे आर आएगा तो यहाँ पे वर आएगा. यहाँ पे हैज हैव आएगा तो यहाँ पे हैड आएगा. यानी कि यहाँ पे वी वन आया तो यहाँ पे वी टू आएगा. दैट्स इट, यही बोलना चाह रही हूँ. ध्यान रखना मैं वी टू को दिखा रही हूँ पास्ट में. पास्ट में मतलब, पास्ट का मतलब एक्शन से पता चल जाए पास्ट हो या कोई पास्ट टाइम गिवन हो. अगर पास्ट टाइम गिवन होगा ना तो हम कभी भी इनमें से कोई यूज नहीं करेंगे. ठीक है ना, वी वन का मतलब हो गया वी वन भी, और वी वन का मतलब वी वन एस ई एस भी, राइट. वी टू का मतलब तो वी टू ठीक है, लेकिन वी वन में तो ये सारा आता है. हम इनमें से कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर कोई पास्ट टाइम दिया हो. पास्ट टाइम का मतलब दो मिनट पहले का भी पास्ट टाइम क्यों ना दिया. अगर पास्ट टाइम दिया हो तो आप कभी भी इनका इस्तेमाल नहीं करोगे, आपको हमेशा ये इस्तेमाल करना है. देखो सेंटेंस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी.
हो गया। सी इन दीज फाइव सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट का बिना आपको बताए। क्या देखो, यस्टरडे पास्ट टाइम है, पास्ट टाइम है नहीं है, पास्ट टाइम पास्ट है ना, यस्टरडे कल जो बीत गया। तो मैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाऊं कि हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाऊं? अब हैज हैव लगा है इसीलिए क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, और अगर आप हैज हैव हटाओगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी तो हटेगा मुझे, क्योंकि वर्ब का सिर्फ सेकेंड फॉर्म चाहिए, काम का सेकेंड फॉर्म केम, बस खत्म। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप हैव को हैड कर दीजिए, तब तो वो हैड कर दोगे तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। मैं कह रही हूँ मुझे सेकेंड फॉर्म चाहिए, सेकेंड फॉर्म चाहिए, मुझे वी टू चाहिए। हैज हैव हेल्पिंग वर्ब भी है, याद है, हैज हैव मेन वर्ब भी है। अगर हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है तभी तो वी थ्री लगा है, अगर मैं इसको हटाऊंगी तो ये वी थ्री भी तो हटेगा, क्योंकि वी थ्री हटेगा, मुझे वी टू चाहिए, राइट। 10 मिनट्स या 2 मिनट्स एगो भी, ये भी तो पास्ट टेंस हो गया, एगो मतलब पास्ट है ना, पास्ट, क्या करूं, आई सी का सेकेंड फॉर्म सॉ होगा, ठीक है। डे बिफोर यस्टरडे का मतलब हो गया परसों, जो बीत गया, परसों में डॉक्टर को दिखाने, टू सी अ डॉक्टर का मतलब ही वही होता है, डॉक्टर को दिखाने गई थी, पास्ट टेंस, हाफ प्लस वी थ्री नहीं लगा के गो का सेकेंड फॉर्म लगा दो, क्या है, वेंट, यस, अंडरस्टूड। नेक्स्ट आओ, ही टोल्ड मी दैट ही हैजंट का हैडंट कर दिया। अब आप पकड़ोगे मुझे कि अभी तक तो आप इन पूरा को हटा के आप सेकेंड फॉर्म लगा रहे थे, वेंट लगा रहे थे, अभी क्यों कर दिया ऐसा। अब आ जाओ, जो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट नहीं कहा अभी, पास्ट में खत्म, तो ये भी तो पूछ सकते हो कि सिंपल पास्ट भी कहा आपने, पास्ट में खत्म, पास्ट परफेक्ट भी कहते हो, पास्ट में खत्म, तो खत्म फिर दोनों, तो फिर दो का दो टेंस क्यों कर रहे हो, दो टेंस इस्तेमाल क्यों किया। मैंने क्या बताया था, आप लोगों ने मुझे उसमें टोका ही नहीं, तो मैं क्यों बताऊं। मैंने कहा था पास्ट इनडेफिनिट में पास्ट में खत्म, फिर मैंने पास्ट परफेक्ट में भी वही चीज कहा पास्ट में खत्म, तो आपने मुझे टोका ही नहीं कि दोनों खत्म तो फिर दो टेंस क्यों, गॉट इट, दोनों टेंस का दो टेंस, दो टेंस इसलिए मैंने कहा कि पास्ट परफेक्ट को अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करोगे ना, आम भाषा में, तो कहते हैं भूतकाल का भूतकाल, पास्ट का पास्ट, पास्ट का पास्ट। इसीलिए पास्ट परफेक्ट का मैं रफ आइडिया आपको अभी ही दे रही हूं, क्या, पास्ट का पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। कैसे, जब उसने मुझे बोला खत्म है टाइम, और जब बोला उसने क्या कहा था कि मैंने बुक नहीं पढ़ी अभी तक, है ना, इसका मतलब है जब बोला उसके पहले की क्रिया की बात कर रहा है ना, बुक पढ़ने की क्रिया की बात कब की कर रहा है वो, जब बोला था उसके पहले की कि उसके बाद की, उसके पहले की, बोला कब, पास्ट में, तो बुक कर पढ़ने की क्रिया कब हुई या नहीं हुई, कब हुई, पास्ट का पास्ट, इसीलिए मैंने हार्ड प्लस वी थ्री लगा दिया, ठीक है। अब ऐसे सेंटेंस में मैं लगा रही, क्योंकि जब वो बोला तब वो उस समय तक ही एक्शन के बारे में हो चुका था या नहीं हो चुका था, वो उसके पहले की बात थी, इसीलिए पास्ट परफेक्ट जब डिटेल में पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर देखो मैंने क्यों लगा, ये बता दिया मैंने, आई फेल्ट, जब वो बोल रहा था तभी मैंने महसूस किया कि वो झूठ बोल रहा है, मैंने महसूस किया तो आई फेल्ट, और हिंदी में कहते हैं मैंने महसूस किया कि वो झूठ बोल रहा है, तो एम लगा देते हो, ही इज लगा देते हो, है ना। यहां पे जब पास्ट है, वाक्य पास्ट का है, तो आगे भी पास्ट ही तो होगा, तो क्या करूं मैं, वॉस लगा दो। दिस मीन्स, क्या समझा रही हूं आपको, कि वी टू कहां लगाओगे, जब पास्ट टाइम गिवन हो या फिर एक्शन
इज इन पास्ट. अब अभी थोड़ी बोल रहा है, जब मैंने महसूस किया उस समय बोल रहा था ना, तो उस समय क्या होगा? पास्ट होगा. एंड यू नो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, आधा चैप्टर कंडीशनल का आपका फिनिश्ड है. क्योंकि ये जो इफ आई वर अ बर्ड है ना, आप अगर कंडीशनल सेंटेंस अपने बुक में निकालोगे वॉल्यूम वन में, तो आपको 10-12 सेंटेंस करीबन वही मिलेगा. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट खत्म है एंड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ सिंपल प्रेजेंट खत्म है. लेकिन मैंने आपको टेंस अभी शुरुआत भी नहीं किया. सो टेल मी वन थिंग, जो पढ़ाया समझ में आया आपको? अच्छे से समझ में आ गया? प्रेजेंट की बात नहीं है, पास्ट की बात है. मैं हैज हैव भी नहीं छू सकती, क्यों? वो प्रेजेंट है. तो हैज हैव है तभी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है. अगर मैं हैज हैव हटा दूंगी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो जाएगा ही जाएगा. तो फिर क्या आएगा? वर्ब का सेकेंड फॉर्म. क्यों? पास्ट टाइम V2, प्रेजेंट टाइम तब V1. गॉट इट? एनी प्रॉब्लम टिल हियर? सॉरी, लाइक के साथ. सी, देयर आर सर्टेन नाउन जो महसूस होता है अजीब सी बात करता है. हम एक झूठ थोड़ी नहीं बोलते है ना, एक झूठ की तो बात नहीं होती. लेकिन सिंगुलर है ना, जब सिंगुलर नाउन यूज करते हो ना, तो उसके साथ सिंगुलर आर्टिकल जो होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल an, वो यूज करते हैं. इसे डू नॉट टेल अ लाई. कई बार हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी ए यूज करते हैं. डू नॉट मेक अ नॉइज. नॉइज तो अनकाउंटेबल है, ए नहीं आना चाहिए, वो एक्सेप्शन है. अनकाउंटेबल के साथ ए और एन नहीं आता, फिर भी वहाँ आ जाता है. ठीक है, बोलो और कुछ? फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस में हैड का ये प्रॉब्लम था जो मैंने आपको फोर्थ सेंटेंस में एक्सप्लेन किया. क्या? पास्ट परफेक्ट का मतलब है भूतकाल का भूतकाल. अरे मैंने सिर्फ एक एक्शन की बात की, दो एक्शन का तो जिक्र ही नहीं है. मैं पास्ट का पास्ट तो दिखाई नहीं रही. मैं कह रही हूँ मैं कल आई. अगर मैं कहूँगी मैं दिल्ली पहुँच चुकी हूँ, तो कहते हो आई हैव रीच दिल्ली. अब ट्रांसलेशन वाले, जो ट्रांसलेशन वाले हैं, वो कहते हैं चुका है चुकी है, तो आई हैव रीच दिल्ली. फिर कहते अरे मैं कल ही पहुँच चुका हूँ, तो कहते हैं आई हैव रीच दिल्ली यस्टरडे. अरे यस्टरडे लगा दिया तो हैव प्लस रीच तो खत्म. क्योंकि आपने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपका सिर्फ एक एक्शन है दिल्ली के में पहुँचना. और सिर्फ एक एक्शन भूतकाल का है तो सिंपल पास्ट लगाओ. कोई भूतकाल का टाइम दिया हो, कोई पास्ट का एक्शन दिया हो, उसके पहले कुछ होता तो मैं हैड प्लस V3 लगा देती. आई हैड रीच्ड दिल्ली बिफोर यू कॉल्ड मी अप. कॉल्ड पास्ट टेंस, उसके पहले हैड रीच्ड. और कुछ? सॉरी, सी पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर बात करोगे ना, तो मैं डे बिफोर यस्टरडे ऐसी बात नहीं करूंगी. अगर मैं ये कहूंगी बिफोर यस्टरडे, तो भी पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा. यस्टरडे क्या है? पास्ट टाइम है. उसके पहले हो चुका था, तो अगेन पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाएगा, है ना? तो वहां पर भी तो पास्ट परफेक्ट टेंस. मतलब करना, पास्ट एक्शन दे दो, पास्ट टाइम दे दो. बोलो उसके पहले हो चुका था, तो मैं पास्ट परफेक्ट लगा दूंगी. और पास्ट टाइम दे दो और कहो उसी दिन हुआ, तो मैं सिंपल पास्ट लगा दूंगी. उसके पहले थोड़ी हुआ, पास्ट का पास्ट थोड़ी है. पास्ट टाइम में हुआ ना, तो सिंपल पास्ट. और पास्ट टाइम के पहले हो जाएगा तो पास्ट परफेक्ट. ज्यादा समझोगे पास्ट परफेक्ट टेंस में. अभी फिलहाल जितना पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं, बताओ? एनी प्रॉब्लम? यू के साथ कौन सा सिंगुलर वर्ब लगाओगे, बताओ? बोलो. एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, मैम आई के साथ इज आता है, कहाँ आएगा? मैंने कहा आई इज अ वोवल. आई इज अ वोवल, दैट्स इट. अब ये कहोगे कि नहीं आई के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकता. तुम लोग क्विज क्विज क्यों खेलते हो? इंग्लिश सीखो, इंग्लिश ज़्यादा उसमें पंगे मत लो. अब मैथ्स वाला पंगा आप इंग्लिश में लेने लगोगे तो हो गया. नहीं, मैं देखो, मैं आपको सबका है ना, मैं ग्रामर को ग्रामर की तरह नहीं पढ़ा रही हूँ आपको. आपको ये नहीं लगेगा कि मैं ग्रामर को है ना, वो ग्रामर वाला बुक वाला ग्रामर पढ़ा दे रही हूँ.
वो महसूस नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत सिंप्लीफाई करके उसको हालात से रिलेट करके बता देती हूँ, ठीक है। लेकिन आप वो क्विज मत खेलो कि यू के साथ आई के साथ इज, सेंटेंस क्या था? फोर्थ सेंटेंस मैंने ये कहा था, पास्ट का पास्ट था ना, सेंटेंस क्या था बताओ ना? ही टोल्ड मी, जब उसने मुझसे कहा, उसके पहले बुक पढ़ने की क्रिया की बात हुई, उसने बताया कि मैंने बुक खत्म कर लिया है, मैंने बुक खत्म नहीं किया है, ठीक है, बताया पास्ट, उसके पहले बुक खत्म हुआ या नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया? पास्ट का पास्ट, इसलिए हैड प्लस वी थ्री लगा दिया, ठीक है। अभी रुको ना, पास्ट परफेक्ट डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी रुक जाओ उसको। हाँ बोलो। क्या क्या एक सेकेंड, जरा माइक दो उसको। बोलो। लास्ट क्लास में आपने बताया था कि कॉन्वर्जेंस के साथ एस का आईडी फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन आज मीन के शो में मैं बताया कि लेंस के साथ वर्किंग यूज करते हैं। वर्किंग, वर्किंग आफ्टर वर्किंग लंच। आफ्टर वर्किंग लंच क्या होता है? सी, अगर आप लंच के पहले कोई वर्ड यूज कर रहे हैं आईएनजी फॉर्म में, तो वो तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन आपका जो वर्ड है ना वर्किंग लंच है, तो कुछ भी नहीं है। इसलिए कभी भी अगर आपको कहीं से कुछ डाउट दिखता है ना, तो सबसे पहले पूरा सेंटेंस लेके आओ, ठीक है ना। आप पूरा सेंटेंस लेके आओगे ना, तो ज़्यादा आसान होगा मुझे समझाना कि वहाँ पर उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। जैसे आफ्टर वर्किंग ये लगा सकते हो, लंच वॉज सर्व्ड, है ना, तो वहाँ उसमें तो सेंटेंस बन रहा है, लेकिन मुझे पूरा सेंटेंस दिखाओगे तब मैं समझूंगी कि क्या बोलना चाह रही हो। चलो वो कैप का सेकंड वाला शीट बांट दो, जरा सेकंड शीट वो कैप का बांट दो, बांट दिया है। क्या हो गया? वो शीट पूरा नहीं हुआ था क्या? नहीं, वो तो भी कराना ही नहीं मुझे, रुक जाओ अभी, रुक जाओ, वो क्या कर लो थोड़ा सा, खाली ग्रामर ही पढ़ते रहो तुम लोग। अच्छा क्यों नहीं लाए हो? नहीं मिला है तो अभी मिल जाएगा। ऐ वो क्या शीट सेकंड बांट दो, और अभी फिलहाल जब तक शीट मिलेगा तब तक तो पढ़ लो। सुनो, कम टू द फर्स्ट वर्ड एंड दिस इज वन रूट वर्ड मेनिया। मेनिया का मतलब होता है सनक, ऑब्सेशन, किसी चीज से बहुत अधिक प्यार हो जाता है। देखो प्यार के दो तीन स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट इज लाइक, सेकेंड इज लव। लव जो स्टेज होता है ना, लव का स्टेज का रूट वर्ड बना है फील, पी एच आई एल। और कोई चीज जिसका सनक सवार हो जाए, उठते जागते सोते बैठते सब वही दिखाई दे, कितना खुश। नहीं आप लोगों भी सब कुछ में वही दिखाई देती है फिर तो, देन इट बिकम्स मेनिया, बीमारी है, ठीक है। सुनो, मेनिया का मतलब होता है सनक सवार हो जाना, एक्सट्रीम लव। और ईगो किसका रूट वर्ड बताया था? आई। समझ में आ गया? खुद से एक्सट्रीम लव, तब आप ईगो मेनियाक हो जाते हो, है ना। ईगो मेनिया इज व्हाट? एक्सट्रीम लव फॉर वनसेल्फ, एक्सट्रीम लव फॉर वनसेल्फ।
अपने आप से बहुत अधिक प्यार। ठीक है, सी द रूट वर्ड्स, दिस इज, मैं इसको ये कह सकती हूं, अल्ट्रुइस्ट को ऐसे तोड़ दो, ऑल के प्रति ट्रू है ना। हालांकि यहां पे एक रूट वर्ड है ऑल्टर, ऑल्टर रूट वर्ड किसका है बोलो तो, ऑल्टर इज द रूट वर्ड ऑफ अदर। ठीक है, ऑल्टर इज द रूट वर्ड ऑफ अदर एंड रुकी जाओ, मिल जा रहा है शीट, मिल जा रहा है, नीचे भी भिजवा देना, नीचे बेसमेंट में। जल्दी करो, सही, तुम बंद कर दिए थे, सुनो, जो ऑल्ट्रुइज्म है, दिस इज अल्ट्रुइस्ट, सो ऑल के प्रति ट्रू की बात मैं कर रही हूं, मैं कह रही हूं कि ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ऑल के प्रति ट्रू है ना, ट्रू टू ऑल मतलब सबका अच्छा चाहने वाला, True to all is altruist, मतलब सबका अच्छा चाहने वाला। लेकिन मेरा एक चीज और कहना है कि अगर मैं ये कहूं कि सबका अच्छा चाहने वाला, तो मैंने ऐसे समझा दिया आपको। अब आ जाओ रूट वर्ड से समझ लो, altruist is the root word that has come from other, other क्या है, alter से आया, एंड यही alter आप यहां पर देख रहे हो altruist में है ना। तो इसका मतलब है कि अदर्स के प्रति तो क्या है, सच्चाई अच्छाई, तो सबका भला चाहता है, दैट मीन्स अल्ट्रुइस्ट इज वन हु थिंक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ ऑल। सबका अच्छा चाहने वाला, इसीलिए ऐसे लोगों को हम फिलिया से बना हुआ वर्ड फिलैंथ्रोप भी कहते हैं, क्योंकि फिल इज द रूट वर्ड ऑफ लव और एंथ्रोप इज द रूट ऑफ वर्ड ऑफ मैन, जहां पर भी मैन की बात होती है ना वहां पे एंथ्रोप वर्ड आ जाता है। ठीक है, anthrop is the root word of man, anthropology क्या पढ़ते हो उसमें, मानव शास्त्र होता है, लॉजी इज स्टडी और anthrop इज मानव, मानव शास्त्र को फिलान्थ्रोप क्या हुआ, इसी का सिनोनिम है, देख लो।
ठीक है, जो सबका अच्छा चाहता है। जानते हो इसका एंटोनिम भी यही कर सकते हो आप, फिलान्थ्रोप का एंटोनिम जो है, एंटोनिम उसका एंटोनिम होता है मतलब ऑपोजिट, है ना। मिस एंथ्रोप, फिलान्थ्रोप का और एल्ट्रुइस्ट का एंटोनिम है मिस एंथ्रोप, दोनों का एंटोनिम है। एंटोनिम मतलब उसका अपोजिट, कैसे बन गया। एंथ्रोप का मतलब तो मानव है ही, और मिस बना है वर्ड मिसियन से जिसका मतलब है हेट, मानवता द्रोही, वन हू हेट्स मैनकाइंड, जो मानव से नफरत करे, मानवता द्रोही। आप टेररिस्ट को क्या बोलोगे, मिस एंथ्रोप कहोगे उसको, क्यों, क्योंकि ये हेट करते हैं किसको, इंसान से, मानव से। मिस एंथ्रोप, ठीक है। सपोज आई यूज द वर्ड ऑल्टर, यू कम टू नो इट मीन्स क्या, आई सॉरी इट मीन्स द अदर। एंड ईगो का मतलब क्या बता दिया मैंने आपको, आई। आप देखो ये ऑल्टर ईगो में कितने कंडीशन में यूज कर सकती हूँ, ऑल्टर ईगो। एक तो अगर मेरा कोई फास्ट फ्रेंड हो जिसको सब कुछ पता हो, जो जो मेरे बारे में मुझे पता है, मेरे बारे में उसको सब कुछ पता हो, है ना। या फिर मान लो बिजनेस के केस में ही जितने भी जानकारी मुझे अपनी कंपनी को लेके, कोई मेरे साथ शुरू से काम कर रहा है उसको भी सारी जानकारी होगी। तो बिजनेस के मामले में अगर वो मेरी जगह चला जा रहा है, देन ही इज़ माई ऑल्टर ईगो, है ना। या फिर मेरा कोई बॉसम फ्रेंड हो, वो भी मेरा ऑल्टर ईगो है। क्यों, क्योंकि बॉसम फ्रेंड का मतलब क्या होता है, जिगरी दोस्त। क्यों बॉसम फ्रेंड को मैं ऑल्टर ईगो कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, इसीलिए वो मेरे बदले में अगर वो जा रहा है तो ही इज माई ऑल्टर ईगो बिकॉज ही नोज एवरीथिंग अबाउट मी। यानी कोई अदर व्यक्ति जो आई है, एक तरह से देखा जाए तो वो मैं ही हूं, है ना। इसका मतलब जो भी मेरे जगह मुझे रिप्रेजेंट कर सकता है, एक तो वो पर्सन है, कौन, जो मेरा फ्रेंड है, बॉसम फ्रेंड, जिसको मैं सारा अपना राज बताती हूँ। तो आई कैन से माई फ्रेंड और माई सिस्टर इज माई ऑल्टर ईगो, ही और शी नोज एवरीथिंग अबाउट मी। दूसरा जो मैंने आपको कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे रिप्रेजेंट कर सकता है क्योंकि वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, तो आप बॉसम फ्रेंड वाले कैटेगरी में उसको भी रख सकते हैं। नाउ सेकेंड आ जाओ केस में, कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरी तरह ही दिखता है, अगर आप कहोगे कि मैम यस्टरडे आई सॉ यू इन द मार्केट, आई विल से आई वॉज नॉट देयर, आई वॉज एट होम। इफ यू से नो आई सॉ यू, देन मैं कहूँगी यू माइट हैव सीन माई सिस्टर, शी इज माई ऑल्टर ईगो। कई बार ऐसा होता है कि कोई आपके सिस्टर को या आपके जो आपसे मिलता जुलता शक्ल देख लिया तो कहोगे ओके यू सॉ हिम, ही इज माई ऑल्टर ईगो। दैट मीन्स वन हु लुक्स लाइक मी, द अदर पर्सन हु लुक्स लाइक मी। दैट मीन्स लिख लो सेकेंड, वन हु लुक्स लाइक मी, ये सेकेंड मीनिंग है। जो मैंने कहा यू माइट हैव सीन माई सिस्टर, शी इज माई ऑल्टर ईगो। और तीसरा आ जाओ, इफ आप किसी को देखते हो, बहुत सारे लोग होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन उनका जो प्रोफेशन होता है वो डिमांड करता है कि वो एक्सट्रोवर्ट रहे। ऐसे कई सारे आप बहुत बड़े बड़े हीरो को देखोगे, वो रात को 10 बजे जाके घर में सो जाते हैं टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। लेकिन पहले क्या था, वो हर पार्टीज में जाते थे। क्यों, क्योंकि उनको जान पहचान बनाना है। क्यों बनाना है, वहीं पर से तो उनको काम मिलता है। जब पहचान बनती है तभी तो कोई समझेगा कि हाँ आप भी फिल्म इंडस्ट्री में हो। अब उनको मतलब नहीं सब चीज़ से, क्यों, क्योंकि आप उसके ऑल्टर ईगो को नहीं देखे। आपने उनको क्या दिखा था, जो वो दिखाते थे।
So if you think that I am very extrovert, you are not aware of my alter ego. Got it? If you think I am an extrovert, मैं बहिर्मुखी हूँ, बहुत ज़्यादा ओपन हूँ, इसका मतलब तुम्हें नहीं पता मेरी पर्सनालिटी का दूसरा साइड. अदर आई मतलब जो एक दिखता है और एक सबको नहीं दिखता. इसका मतलब जो मैं दिखती हूँ आपको वो तो सामने है, बट यू डोंट नो द अदर साइड ऑफ माई पर्सनैलिटी. दैट मीन्स यू आर नॉट अवेयर ऑफ माई ऑल्टर ईगो. क्या लिखा? द अदर साइड. The other side, मतलब not visible side of my, of one's personality. ये तीन meaning है alter ego का. एक तो जो आपके बारे में सब कुछ जानता हो, इसीलिए bosom friends कर दिया उसको. दूसरा जो आपकी तरह दिखता है, और तीसरा जो आपकी पर्सनालिटी का, दी अदर आई. एक तो आई है आप जानते हो कौन हूं मैं, एक अदर आई है जो आप नहीं जानते हो, दैट इज माय ऑल्टर ईगो. गॉट इट? थर्ड आओ, ऑल्टरेशन. ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है? मुझे ये नहीं चाहिए, ये साइज मुझे फिट नहीं हो रहा, मुझे अदर साइज चाहिए. अदर साइज, अदर टाइप. तो मैं क्या कराऊंगी जाके? मैं उसको जाके उसका ऑल्टरेशन कराऊंगी. ऑल्टरेशन का मतलब क्या हुआ? आई नीड द अदर थिंग, दैट मीन्स आई नीड टू चेंज दिस. इसलिए ऑल्टरेशन का मतलब लिख दो चेंज. ऑल्टरेशन का मतलब लिखो चेंज.